एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो लैब है ये है वर्किंग विद द फाइल सिस्टम, मतलब हम लोग लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है उसके साथ काम करेंगे। सो चलिए जल्दी से हम लोग लैब को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लैब स्टार्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा। ओके, तब तक हम लोग मोबाइल स्टीम को ऑन कर लेते हैं। ओके, जब तक ये स्टेटस रेडी ना हो जाए तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। टू टू थ्री मिनट्स लगता है इसको रेडी होने पे, तो हम लोग वेट करते। ओके गाइस, तो हम लोगों का लैब रेडी हो गया, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो डिटेल्स में जाके इधर से हम लोगों को जो की है SSH उसको डाउनलोड करना है, और एक पब्लिक IP दिया है उसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि हम लोग कनेक्ट करेंगे मोबाइल स्ट्रीम के साथ। तो इधर जाके सेशन देन SSH देन रिमोट होस्ट की जगह हम लोग वो वाला जो पब्लिक IP है वो पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद ये जो यूज़र नेम आप लोग जो भी इच्छा दे सकते हैं, हम दे रहे हैं इधर EC2 यूज़र, ये भी आप लोग दे सकते हैं। देन एडवांस SSH सेटिंग में जाके हम लोग जो की डाउनलोड किए थे ना उसको इधर अपलोड करना है। पहले इसको चेक कर देना है, देन इसको अपलोड करना है। ओके, देन एक्सेप्ट। ओके गाइस, हम लोगों को जो मोबाइल स्ट्रीम है वो कनेक्ट हो गया। अब आइए लैब पर देखते हैं क्या बोला है करने के लिए। जिन लोगों का मैक है उन लोग ये वाला जो स्टेप है ये फॉलो कर सकते हैं। ओके, क्रिएट अ फोल्डर। फर्स्ट हम लोगों को कुछ फोल्डर क्रिएट करना है इधर। सो फोल्डर क्रिएट करने से पहले हम लोग पहले चेक करेंगे हम लोगों को प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अब कौन सा है। सो इसके लिए कमांड है PWD, मैं पहले भी बताया था दूसरे लैब में। चलिए इस लैब में भी एक बार चेक कर लेते हैं। एंटर। ओके, EC2 यूजर में है। अगर आप लोगों का जो प्रेजेंट डायरेक्टरी EC2 नहीं है तब आप लोग कैसे जाएंगे, तो इसके लिए कमांड होता है वो है CD। CD का मतलब है आपको वो जो फाइल है उसके अंदर जाना है, ठीक है, मतलब चेंज योर डायरेक्टरी। अब CD स्पेस जो डायरेक्टरी का नेम देकर इंटर करने के बाद आप लोग वो जो डायरेक्टरी है उसमें जाएंगे। तो मेरा तो ये वाला है EC2 में, अगर नहीं होता तो मैं कैसे जाते वो वाला आप लोगों के लिए एक बार दिखा दूँ। उसके लिए हमको EC2 यूजर का बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए एक कमांड होता है वो है CD स्पेस .dot. देखिए अभी हम होम पे आ गए। अभी मेरा करंट डायरेक्टरी क्या है देख लेते हैं। होम मतलब हम EC2 के बाहर है। अब EC2 में कैसे जाएंगे वो उसके लिए जो CD
space, then EC2 is ओके. हम लोग EC2 में आए. एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए EC2 के अंदर आ गया. तो बेसिकली यही बोला है, अगर आप लोग EC2 के अंदर नहीं हो तो ये वाला कमांड यूज करके EC2 के अंदर जा सकते हैं. ठीक है, अब हम EC2 में हैं. तो मेरा पहला काम होगा एक फोल्डर क्रिएट करने के, मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट करने. सो इधर बोला है कि कंपनी ए नाम के एक फोल्डर क्रिएट करना. सो फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड है mkdir, मतलब क्रिएट अ डायरेक्टरी और अ फोल्डर. ठीक है, ये वाला कमांड को कॉपी कर लेते हैं हम. कंट्रोल सी देन शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट. ओके, हम लोगों का फोल्डर क्रिएट हो गया. अब हम लोगों को उस फोल्डर के अंदर जाना है. तो हम पहले ही बोल दिया, तो कैसे जाना है उसके लिए कमांड है cd. तो cd करके हम लोग कोई भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं. cd एंड देन cd स्पेस देन होता है फोल्डर का नेम. ओके, देखिए हम कंपनी ए जो फोल्डर क्रिएट किए थे उसके अंदर आ गए हैं. देन बोला है फिनेंस, एचआर और मैनेजमेंट नाम के तीन और फोल्डर क्रिएट करने के लिए. हम इस कमांड से मल्टीपल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं. सो ऐसे मतलब mkdir स्पेस फर्स्ट फोल्डर नेम देन स्पेस देन सेकेंड फोल्डर नेम देन स्पेस देन थर्ड फोल्डर नेम एंड सो ऑन, ऐसे करके. ठीक है, ओके, तो इसको पेस्ट करते हैं. ओके, क्रिएट हो गया. सो क्रिएट हो गया ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए कमांड होता है ls, मतलब लिस्ट, इसको लिस्टिंग बोलता है. तो आप जो जो क्रिएट किए हैं वो आपको दिखाएगा ls कमांड से. देखिए आप अभी हम लोग अभी फिनेंस, एचआर और मैनेजमेंट जो क्रिएट किया है फोल्डर वो क्रिएट हो गया. ओके, देन बोला है हम लोगों को एचआर में जाने के लिए, मतलब सीडी करके हम लोग एचआर फोल्डर में जाके ओके जाते हैं एचआर फोल्डर में. देखिए एचआर फोल्डर में आ गए हैं. ठीक है, अब इधर से भी चेक कर सकते हैं आप कौन सा फोल्डर में है. देखिए ओके, देन बोला है इधर एक फाइल क्रिएट करने के लिए csv फाइल. तो हम लोग पहले जाना था कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं टच कमांड से. तो टच कमांड से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे. फाइल का नाम है असेसमेंट्स और इधर दो फाइल क्रिएट किया है ट्रायल पीरियड. ओके ठीक है, हम लोग क्रिएट करते हैं वो एचआर के अंदर होगा वो वाला फाइल. इसीलिए हम लोगों को पहले एचआर में जाना होगा. तो हम लोग ऑलरेडी एचआर में हैं. तो अब चेक फाइल क्रिएट करना है. ओके क्रिएट. सो एक बार चेक कर लेते हैं फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं. देखिए हम लोगों का दो फाइल क्रिएट हो गया, assessment.csv एंड trialperiod.csv. ओके, यही बोला है देखिए चेक करने के लिए. ठीक है, हम लोग अब फिनेंस में जाएंगे, उधर भी एक फाइल क्रिएट करेंगे. सेम प्रोसेस, पहले हमको हम लोगों को बाहर आना होगा वो फोल्डर से. सो वो फोल्डर से कैसे बाहर आना है, cd डैश मतलब स्पेस देन डॉटेड. ओके, हम लोग एचआर से बाहर आ गए हैं. अब हम लोग जाएंगे फिनेंस में. तो फिनेंस में जैसे ही प्रोसेस सीडी करके ही जाएंगे. तो सीडी फिनेंस फिनेंस ओके, हम लोग अभी फिनेंस में आ गए. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग इधर एक फाइल क्रिएट करेंगे
सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करके इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम प्रोसेस फाइल क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल फाइल क्रिएट करने के लिए एक टच कमांड होता है, टच लिखकर आप लोग फाइल वन स्पेस दिए देकर फाइल टू का नेम ऐसे। सो ये भी हो गया, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं एलएस कमांड से। चलिए देखिए, हम लोगों को दो फाइल फिनांस में क्रिएट हो गया, एक है सैलरी सीएसवी और एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करके। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को बोला है कि सेम एक हम लोग तीन फोल्डर क्रिएट किए थे, मैनेजमेंट फिनांस और एचआर करके। तो मैनेजमेंट में भी हम लोगों को एक क्या बोलता है फाइल क्रिएट करना है। तो इसीलिए पहले हम लोगों को फिनांस का बाहर आना होगा। देखिए cdn स्पेस डॉट डॉट करके बाहर आता है, देन हम लोगों को मैनेजमेंट में जाना होगा। सीडी टाइप ही कर लेते हैं हम लोग, मैनेज। देखिए हम लोग मैनेजमेंट के अंदर आ गए हैं। सो नेक्स्ट हम लोगों को फाइल क्रिएट करना होगा टच कमांड से, कंट्रोल सी, पेस्ट। इधर भी दो फाइल क्रिएट होगा। ओके, क्या बोला है, टच मैनेजमेंट डॉट मैनेजर, नो सच अ फाइल डॉट लुक। ओके मैनेजमेंट, आई थिंक कुछ स्पेलिंग गलत हुआ है, देखते हैं एक बार। ओके, हम लोग टाइप करके देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर है touch टच मैनेजर्स मैनेजर्स डॉट सी एस वी एक फाइल बनाते हैं और स्केड्यूल डॉट सी एस वी एक फाइल। ओके, देखिए क्रिएट हो गया, क्योंकि इधर मैनेजमेंट था तो मैनेजमेंट तो डायरेक्टरी का नेम है तो वो नहीं लेगा, ठीक है। ओके, चेक करते हैं ये क्रिएट हुआ कि नहीं। देखिए मैनेजर्स डॉट सी एस वी एंड स्केड्यूल डॉट सी एस वी हो गया दो फाइल। ओके, देन टू वैलिडेट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर एंड क्रिएट डाउनलोड। ओके, सब फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं वो देखने के लिए कमांड है गिलेस। ओके, ये कमांड होता है, पेस्ट कर देते। देखिए हम लोग मैनेजमेंट के अंदर है तो मैनेजमेंट के दो फाइल क्रिएट किया तो ये दिखा है। अगर कंपनी में कंपनी ये जो डायरेक्टरी क्रिएट किया उसके अंदर क्या क्या था वो देखने के लिए हम लोगों को पहले मैनेजमेंट से बाहर आना पड़ेगा। तो सीडी डॉट डॉट तीन, हम लोग ये वाला जो कमांड था एलएस डैश हाइफ़न एलियर। अब देखिए सब आ गया जो जो क्रिएट किया है फिनांस में। फर्स्ट हम लोग जो फिनांस एचआर मैनेजमेंट क्रिएट किया है, तीन फिनांस के अंदर दो सीएसवी फाइल, एचआर के अंदर भी दो सीएसवी फाइल एंड मैनेजमेंट के अंदर भी दो सीएसवी फाइल। देखिए ठीक है, यही बोला है देखने के लिए। ओके, द थर्ड टास्क इज डिलीट एंड रिकॉग्नाइज द फोल्डर्स। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं।
फर्स्ट हम लोगों को बोला है कि हम लोग कंपनी ए में है कि नहीं, उस चेक करने के लिए पीडब्ल्यू करके, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन है वो चेक करना है। पीडब्ल्यूडी एंटर। ओके गाइस, हम लोग कंपनी ए में है। देन बोला है कि फिनेंस फोल्डर में जो है उसको कॉपी करके हम लोग एचआर में देंगे, मतलब ये जो कॉपी सीपी कमांड से हम लोग कॉपी करते हैं बेसिकली। और जो ये हाइफ़न आर होता है मतलब है रिकर्सिवली, मतलब कॉपी द डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। ठीक है, चलिए ये वाला कमांड चलाते हैं, क्या आंसर आते हैं देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए रिलीज करना होगा हम लोगों को, तो रिलीज करते हैं। देखिए हम लोगों फिनेंस में क्या था, प्रॉफिट एंड जो सैलरी का जो फाइल था वो देखिए आ गया। ठीक है, अगर हम अभी एचआर में जाएंगे, एक बार देखते हैं सीडी एचआर देन इंग्लिश करते हैं। देखिए हम लोग पहले जो वो फाइल क्रिएट किए थे एचआर में, असेसमेंट सीएसबी एंड ट्रायल पीरियड, वो तो है ही, और अभी जो किया है जो फिनेंस फोल्डर को कॉपी वो भी है इधर। देखिए मतलब एचआर के अंदर वो फिनेंस फोल्डर भी कॉपी हो गया, यही बेसिकली था ये कमांड का ही। ओके गाइस, हम लोग बाहर आ जाते हैं कंपनी में फिर से, सीडी स्पेस डॉट करके। ओके, सो नेक्स्ट जो कमांड है आरएमडीआर। सो आरएमडीआर बेसिकली यूज होता है रिमूव डायरेक्टरी, इसका मतलब है रिमूव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। सो हम लोग फिनेंस को रिमूव करेंगे। सो फिनेंस को रिमूव करने के लिए आरएमडीआर देन स्पेस देन फिनेंस, मतलब फोल्डर का नेम। तो करते हैं ओके। सो इधर बोला है कि सो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, सो इसीलिए हम लोग वो फिनेंस जो फाइल है फोल्डर है उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग को फोल्डर के अंदर जो चीज़ है उसको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब फाइल्स को। तो फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आर एम, मतलब रिमूव ऑल द फाइल्स। तो फिनेंस फोल्डर की सब फाइल्स को डिलीट करने के लिए फर्स्ट आरएम मतलब रिमूव, देन फोल्डर नेम, देन स्लैश, देन जो फाइल्स का नेम होता है वो। सो हमें अगर मल्टीपल फाइल को डिलीट करेंगे इसीलिए एक साथ ये है। ओके, अब हम देखते हैं मेरा फाइल फोल्डर एम्प्टी हुआ कि नहीं। सो इसीलिए ls then the space then फोल्डर के नेम, मतलब इधर फिनेंस। देखिए कुछ नहीं है, मतलब फिनेंस फोल्डर अभी एम्प्टी, कुछ नहीं है इसमें। अब जाके हम लोग वो वाला जो फिनेंस फाइल अगर चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं वो rmdir लिख के कमांड का। ओके, हमको नेक्स्ट बोला है मूव द मैनेजमेंट फोल्डर इनसाइड द एचआर। सो मूव का जो काम होता है दो एमबी कमांड बेसिकली दो काम के लिए यूज होता है, एक मूव करने के लिए, एक रीनेम करने के लिए। तो हम लोग वो मैनेजमेंट फोल्डर को एचआर में मूव करेंगे। कंट्रोल सी पेस्ट एलएस करके देखते हैं। देखिए
फिनल्स एचर, ओके एचर में जाने के लिए देखना पड़ेगा सी डी, देन एचर में जाके देन एलएस। देखिए मैनेजमेंट जो फोल्डर था वो इधर कॉपी हो गया। ओके हम अभी एचर से बाहर आ जाते हैं, सी टी स्पेस, चलिए कंपनी में फिर से आ गए। सो टू क्रिएट एम्प्लॉयज फोल्डर, सो बोला है एक और फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। सो फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड होता है एम के डी आई आर, सो अगेन एम के डी आई आर स्पेस देन फोल्डर्स नेम। सो इधर एम्प्लॉयज बोला है तो एम हम लोग एम्प्लॉयज ही करेंगे। ओके एल एस करके देखते हैं फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं। देखिए एम्प्लॉयज नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ओके सो यही था हम लोगों का लैब। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।